डिस्क टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक कैसे बनते हैं पिरामिड का। आज मैं आपको सम शैडोज पिरामिड का ऑर्थोग्राफी कैसे बनता है, वो ही फर्स्ट एंगल में प्रथम कोणीय प्रक्षेप में, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर, जो इसकी राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रंट लिखा हुआ है। और मैंने जो, चूंकि पहले वीडियो में बताया था आपको कि वन और टू ये हमारा फ्रंट व्यू में है, टू और थ्री ये हमारा साइड व्यू में, और ऊपर से टॉप है। तो हमारा फर्स्ट एंगल का जो नियम कहता है वो दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट होता है। इसलिए हम वही सिद्धांत अपनाएंगे यहाँ पे भी, कि हमारा लेफ्ट में दिया है फ्रंट व्यू, वन और टू की डिस्टेंस लेंगे, और ग्राफ पे एक लाइन, चार लाइन खींचने के बाद उनका डिस्टेंस लेते हैं, 10 mm, 15 mm, जैसा आप लेना चाहें। और डिस्टेंस लेने के बाद वन और टू प्रकार में लेके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को वन और टू मेजर कर लेते हैं। वन और टू ले लिया, उसके बाद हम इसका सेंटर लेते हैं, सेंटर पॉइंट, वन और टू का सेंटर हाफ, और उसको लेते हैं हम सीधा 60 mm के लिए, जो कि हमारी हाइट जो दी गई है वो कितनी है, 60 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मेजर करते हैं। और उसके बाद इस पॉइंट लेने के बाद इसको ए से मिला देते हैं, और इसको मिला देते हैं यहाँ पर दो नंबर से, यहाँ से एक नंबर, यहाँ से दो नंबर, तो हमारे दो पॉइंट आ जाते हैं। इस तरह से त्रिभुज टाइप का बन जाता है। उसके बाद हमारा ए और बी दिख रहा है, तो वन और टू के बीच में ए है, तो हमने यहाँ से मेजर किया और यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से टू से बी, तो टू से हमारा ये बी दिख रहा है, तो टू से बी हमने इसको मेजर किया और यहाँ पर इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। और सेंटर पॉइंट जो लिया था वो हम उसका डाल सकते हैं, एक एक्सिस लाइन डाल सकते हैं, इसको हम सेंट्रल रेखा भी बोल सकते हैं, ये लाइन डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा ये फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर साइड व्यू में आते हैं, दो और तीन हमारा और सी पॉइंट दिख रहा है, तो दो और तीन को मेजर कर लेते हैं। तो दो और तीन, तीन चूंकि यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज ऐसे होके ऐसे आ रही है, यानी कि राइट से लेफ्ट में आ रही है, तो टू और थ्री की डिस्टेंस लेकर हमने इसका हाफ लिया, क्योंकि हाफ में सी है। उसके बाद हमने हाइट ली, वही हाइट लेंगे हम 60 mm, और उसके पॉइंटों को टू से मिला देंगे। इसको हमने इसे मेजर किया और इसमें भी ट्रिबल बन गया, क्योंकि इधर डबल लाइन आ रही थी ए और बी, इसमें केवल सी और एफ, सी जस्ट इसके पीछे एफ है, क्योंकि वो एक ही लाइन दिखेगी तो वो एक ही लाइन, ये हमारा त्रिभुज बन गया, यानी साइड भी हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद आते हैं हम टॉप व्यू पर, तो टॉप व्यू पे हम मेजर करते हैं, तो वन और टू ये डिस्टेंस जो वन और टू की है वो तो सेम आएगी, वन और टू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो ली है वो वन और टू की डिस्टेंस आ गई। और फिर लेते हैं टू और थ्री की डिस्टेंस, टू और थ्री की डिस्टेंस वो ऐसे आएगी, यानी कि वन टू, और ये अपना वन और फोर लिखा हुआ है, वन और फोर, यानी टू थ्री वन फोर, ये अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट वन और टू कहलाएगा, ये पॉइंट थ्री और फोर कहलाएगा, इनको मेजर कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर एक स्क्वायर ब्लॉक बना देते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ से देखा टू और थ्री, तो हमारा टू और थ्री, वन और टू ये हमारा दिख रहा है फ्रंट में, टू और थ्री दिख रहा है हमारा साइड व्यू में। एक बार फिर नोट करें, फिर वहां पर टॉप व्यू जब देखते हैं, टॉप व्यू में हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई आती है, तो लंबाई हमारी फ्रंट व्यू की कितनी है, वन और टू मेजर करके वन और टू यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि वन और टू नीचे है, और ये अपना थ्री और फोर जो दिया गया है ये पॉइंट हमारा, ये दोनों है, वन टू पॉइंट नीचे वाले पॉइंट, इन दोनों को अपन मेजर करके एक स्क्वायर ब्लॉक बना देते हैं। फिर ये देखते हैं हमारा कि टू और थ्री जो डिस्टेंस है हमारी, उसमें सी पॉइंट है, तो टू और थ्री कहाँ है, टू और थ्री, क्योंकि ये टू और थ्री यही है, यहीं पर आना चाहिए, टू और थ्री यहाँ नहीं आएगा, वन और फोर जी है, वन और फोर यहाँ पर आएगा, टू और थ्री के बीच में सी, फिर वन और फोर के बीच में एफ, वन और फोर के बीच में एफ, फिर आते हैं हम वन और टू के बीच में ए और बी, तो वन और टू के बीच में ए बी, सेम कंडीशन डी और ई, तो ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हम इसको पॉइंटों को मेजर कर देते हैं और इस तरह से हमारा व्यू बन जाता है। तो आइसोमेट्रिक का अपन जब ऑर्थोग्राफी भी निकालते हैं तो अपन ये देखते हैं कि ऑर्थोग्राफी निकालना कौन से एंगल में, प्रथम एंगल में, फर्स्ट एंगल में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और फ्रंट ऊपर और टॉप नीचे बनता है। इस तरह से अगर कोई कंडीशन आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।